रवि शास्त्री ने पर्थ में होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए भारत की प्लेइंग 11 का चयन किया और इन खिलाड़ियों को टीम में मौका दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व प्लेयर व हेड कोच रवि शास्त्री ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मैच के लिए अपनी पसंदीदा प्लेइंग 11 का चयन किया। दोनों देशों के बीच पहला टेस्ट मैच 22 नवंबर के पर्थ में खेला जाएगा। इस मैच के लिए रोहित शर्मा उपलब्ध होंगे या नहीं, इसे लेकर कुछ साफ नहीं। शायद इसे देखते हुए शास्त्री ने अपनी टीम में हिटमैन को जगह नहीं दी। शास्त्री ने केएल राहुल को तीसरे नंबर पर रखा। शास्त्री ने अपनी प्लेइंग 11 में ओपनर के रूप में शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल का चयन किया, जबकि माना जा रहा है कि अगर रोहित पहले टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो यशस्वी के साथ केएल राहुल या फिर अभिमन्यु ईश्वरन पारी की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं उन्होंने टीम में बल्लेबाजी क्रम में तीसरे नंबर पर केएल राहुल को रखा। उनकी टीम में बल्लेबाजी क्रम में चौथे नंबर पर कोहली हैं, जो टेस्ट प्रारूप में इसी क्रम पर खेलते हैं। शास्त्री ने उनके नंबर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। पहले टेस्ट के लिए रवि शास्त्री ने चुनी भारत की प्लेइंग 11, इन खिलाड़ियों को दी जगह। रोहित बाहर, रवि शास्त्री ने पर्थ में होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए भारत की प्लेइंग 11 का चयन किया और इन खिलाड़ियों को टीम में मौका दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व प्लेयर व हेड कोच रवि शास्त्री ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मैच के लिए अपनी पसंदीदा प्लेइंग 11 का चयन किया। दोनों देशों के बीच पहला टेस्ट मैच 22 नवंबर के पर्थ में खेला जाएगा। रवि शास्त्री ने चुनी पहले टेस्ट के लिए भारत की प्लेइंग 11 शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज।